हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिब एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ले को एक्सप्लोर और मेरे साथ हैं पीछे मुर्तजा भाई। हेलो। तो रेडी हैं? ठीक है, चलो चलते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि प्लान में क्या क्या है। सुशील सर के साथ कार में बैठूंगा तो उनसे भी बात करेंगे और बताऊंगा क्या है और कहाँ जाने वाले हैं हम। सर, अभी हम किस जगह जा रहे हैं और क्या देखने वाले हैं? हम लोग अभी यू आर गोइंग टू लामायू, बट टू सेव टाइम क्योंकि क्लाइमेट आज काफ़ी ख़राब है। व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी जाते हुए ना रुकते हुए वी विल गो टू लामायू फर्स्ट। लामायू से वी विल स्टार्ट ड्राइविंग बैक टूवर्ड्स ले। तो क्या होगा कि थोड़ा लेट भी हो गया तो वी विल बी क्लोजर टू ले एंड इससे थोड़ा सेफ्टी भी बना रहेगा। नहीं तो अगर उल्टा किया कि यहाँ पे रुकते गए, क्योंकि आज हम लोग प्लेसेस जो कवर करने वाले हो वो है वॉर मेमोरियल और उसके अलावा लामायू मॉनेस्ट्री, वी आर डूइंग मैग्नेटिक हिल, वी आर डूइंग पत्थर साहेब, वी आर डूइंग नीमू संगम और ये सारे रास्ते में आएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे हम लोग अभी रुक गए और क्लाइमेट ख़राब हो गया तो हम लोग आगे फंस सकते हैं। सर, बेस्ट तो हमेशा ऐसा ही होता है ना कि सबसे पहले फार अवे प्लेस में चले जाओ, स्टार्ट कमिंग बैक टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे सेफ्टी भी बना रहता है और सारी जगह भी दिखी हो जाएंगी। जी जी जी, तो उसी हिसाब से हम लोग टाइम मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा वी हैव जुमा विद अस हु इज़ अ वेरी गुड नेचुरलिस्ट फ्रॉम लद्दाख एंड वो हमको सिर्फ जगह ही नहीं दिखाएंगे पर रास्ते में इफ़ यू कम अक्रॉस एनी इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ तो हम लोग वो भी स्पॉटिंग के लिए रुकेंगे। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए लामायू मॉनेस्ट्री और ये लेह से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स की दूरी पे है। बट बिलीव मी, जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं मॉनेस्ट्री के बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ा हूँ और यहाँ अंदर एक रिचुअल चल रहा है, तो चलो वो देखते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने में, क्योंकि यहाँ का हर एक कोना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जिस मटेरियल से ये बना है ना, मैं हिमाचल से हूँ तो वहाँ पर भी जितनी मॉनेस्ट्रीज हैं वो इन मटेरियल से नहीं बनती, क्योंकि वहाँ सीमेंट और ईंट बहुत इजीली पहुँच जाती है। तो यहाँ पर मिट्टी के पत्थर हैं और रॉक्स हैं और मिट्टी को मिलाकर कुछ समथिंग समथिंग सीमेंट के तरीके का बनाया है, जो सूखने के बाद पूरा ऐसा
बन जाता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं जो ये अभी जिस जगह पे हूँ ये अबैंडन्ड है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पहले मॉन्क्स रहते थे, अब वो दूसरी ऊपर और कमरे बना दिए, वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। इन्हें इनके पुराने घर हैं जहाँ पर, जिसको मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिस पोर्शन को सर ने, सुशील सर ने मुझे बताया कि अभी भी इसको टेक केयर करते हैं, बट ये मिट्टी और उन सब से बना हुआ है तो ऐसा लुक देता है कि काफ़ी पुराना है, बट अभी भी ये लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। मॉनेस्ट्री से निकलकर हम लोग वापस जा रहे हैं अभी, और अब जो जो रास्ते में जो चीज़ें हम लोगों ने जैसे मैग्नेटिक हिल्स और पंजा साहिब गुरुद्वारा छोड़ा था वो कवर करते हुए जाएंगे, बट उससे पहले बीच में हमें एक बहुत सुंदर ब्रिज मिला है तो वहाँ पर जा। ब्रो हुआ स्पॉट? हाँ। क्या है उधर? माउंटेन गोट राइड। नाइस। ले में इंडस रिवर बहती है जो कि मेरे पीछे है, और अभी हम लोग आ रहे थे वापस, आगे जाना है मैग्नेटिक हिल्स, बट उससे पहले बीच में इंडस रिवर के बिल्कुल सामने हमें माउंटेन शीप स्पॉट की है, तो उसकी मेरे साथ बहुत अमेजिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सुशील सर, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी यहाँ रुकाते हैं और कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, तो मैंने भी उनके कैमरा से ट्राई किया है माउंटेन शीप की फ़ोटो लेने के लिए। सर मेरे पीछे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, वो शीप की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और ज़रा सा अगर कुछ आवाज़ ववाज़ होती है तो वो लेंस काफ़ी लंबा होता है ना 600 mm, तो वो हिल जाता है सब कुछ। हम लोगों ने फटाफट से अभी गाड़ी रोकी है, और पीछे मेरे फुल रेनबो है यार। गाइस मैं हूँ नीमू संगम पॉइंट पे, और यहाँ पर जांस्कर और इंडस रिवर मिलती है, तो जो ये पीछे से लाइटर कलर का पानी आ रहा है ये इंडस है, और वो पीछे से ब्राउन कलर का जो आ रहा है वो जांस्कर है, और जांस्कर रिवर जो है वो यहीं तक ख़त्म हो जाती है, इसके बाद आगे ये मिलकर के पूरी ही इंडस रिवर बन जाती है। तो ये क्रेजी पॉइंट है, पीछे मेरे सनसेट भी हो रहा है अगर आप लोग देख पाओगे तो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। मैं हूँ अभी पंजा साहिब गुरुद्वारा के सामने, एंड बिलीव मी गाइस जब मैं यहाँ पहुँचा था तो सनसेट हो रहा था, और यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाया, जो जो मैंने कैप्चर किया है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, बट बिलीव मी इट इज़ पीसफुल। और इसकी वजह से मतलब क्योंकि यहाँ क्लोजिंग टाइम था तो मैंने मैग्नेटिक हिल्स में जस्ट हम लोग गाड़ी रोकी, हमने न्यूट्रल पे डाली और चेक किया कि अच्छा मैग्नेटिक हिल्स
हम लोगों को पुल करती है नीचे या नहीं करती है, एंड इट डिड, बट मैं उसको ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया और मैं बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं था. बट इन दिस आई वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत पीसफुल जगह है. और ये लद्दाख का एक अकेला गुरुद्वारा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं पंजा साहिब गुरुद्वारा. और इसकी स्टोरी ये है कि ऊपर जो आप वो माउंटेन देख रहे हैं जहाँ से ये लाइट है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से ऊपर से एक रॉक फेंका था. गुरु नानक देव जी तब यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तो जैसे ही रॉक उनको हिट किया वो वैक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उनकी बॉडी की शेप ले ली थी. तो वो आज भी इधर प्रिजर्व्ड है. तो अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको मिस मत करिए, इस जगह को मिस मत करिएगा. इट इज़ इनक्रेडिबली अमेजिंग और बहुत ज़्यादा पीसफुल है यार. तो आज का दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा हैपनिंग था, पहले मॉनेस्ट्री, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने लैंडस्केप देखा ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, फिर जो वाइल्ड यहाँ की माउंटेन शीप्स थी उसको कैप्चर किया मैंने. फर्स्ट टाइम आई यूज्ड दोज बिग लेंसेज जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, तो इट फेल्ट इनक्रेडिबल. फिर मैग्नेटिक हिल्स के लिए वो देखा मैंने, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वरना ये क्लोज हो जाता. और अब यहाँ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एंडिंग ऑफ द डे. आई होप यू गाइज इन्जॉयड माई व्लॉग आज का. सो इफ यू इन्जॉयड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.